हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट्स माय गर्लफ्रेंड्स वेडिंग, और ये बुक लिखी है साहिल राजपूत ने। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। और अब यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 15 की। अब जब अगले दिन सुबह विवान उठता है ना, तो उसका सर एकदम भारी भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो गया था उसको कल रात का। और जब वो देखता है ना, तो सारा जो पैलेस होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा सज रखा होता है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। हर जगह फूलों की खुशबू आ रही होती है और सब लोग एकदम तैयारी में लगे होते हैं कि भाई मेहमान आने वाले हैं, सब उनकी तैयारी में लग जाओ। और हर कोई बहुत जल्दी जल्दी होता है ताकि वो काम फिनिश कर सके। अब जो विवान होता है ना, वो मन में सोचता है ये सब अजीत के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, अब इतने में क्या होता है, जो एक नौकर होता है ना, वो कहता है विवान साहब, कुंवर साहब ना आपको बुला रहे हैं स्टोर रूम में। अब जो भाई विवान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। उसको ये लगता है ना कि आखिरी रात को जो उसने सच्चाई बताई थी कि भाई अब तो वो गया, कुंवर साहब उसको छोड़ेंगे नहीं, और तो उसको ना बड़ा घबराहट भी हो लगती है और डर भी लगता है उसको। अब जो विवान होता है ना, वो मन में सोचता है भाई तेरे को तो ये झेलना पड़ेगा। अब जो विवान होता है ना, जब वो जाता है वहाँ पर, तो कुंवर साहब कहते हैं विवान मेरे को ना तुम्हें कुछ बताना है। अब वो ना उसको थोड़ा डर भी लगता है कि क्या बताने वाले हैं। अब जो विवान होता है ना, वो कहता है क्या सर। तो अब वो ना उसके पास आते हैं ना, वो कहते हैं अजीत आ रहा है आज, तुम्हें ना उसका ख्याल रखना पड़ेगा, वो हमारा बहुत स्पेशल गेस्ट है, उनको कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ इस काम के लिए, तो हमें तुम प्लीज़ एम्बेरस फील मत कराना। और वो ना अपना ये कह के ना अपना हाथ विवान के कंधों पर रख देते हैं। अब ना ये देख के तो ना उसको विवान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो भाई कम से कम जो मैंने कल रात को बोला था वो इनको कुछ भी याद नहीं है, उसके सर से एक टेंशन भी हट जाती है। अब जो विवान होता है ना, वो कहता है डोंट वरी सर, आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी, और बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है और ना उसको स्माइल करता है, और फिर वो वहाँ से विवान बाहर आ जाता है। अब विवान ना मन में सोचता है कि कल रात के बाद से ना कुंवर साहब मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और मैं भी उतना ही वो चाहता था कि वो मुझे ट्रस्ट करें, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मैं जो मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उसके फियांसे से कैसे मिलूंगा। और ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे ना जहर का घूंट पीना हल्के हल्के वो भी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और तो अभी तो दादाजी भी नहीं आए, मुझे उनका भी दिल जीतना है, कम ऑन विवान, तो ये करना पड़ेगा अपने प्यार के लिए। अब जब विवान ये सब कुछ सोच रहा होता है ना, तो इतने में क्या होता है ना, उसको आवाज़ें आने लगती है घंटियों की और लोगों की चीखने की कि कुंवर अजीत सिंह की जय, कुंवर अजीत सिंह की जय। वो एकदम से होश में आता है कि अच्छा ये भी चल रहा है, और वो ना अपने आप को बोलता है कि अच्छा तो फाइनली वो आ गया। अब उसको पता है कि भाई वो कौन है कैसा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ना कहीं वो हल्का सा अंदर में एक्साइटेड भी होता है बहुत ज़्यादा कि उसको एक बार देखे तो कि वो है कौन। अब वो देखता है ना, तो एक ब्लैक ऑडी आती है गेट से, जो गार्ड होते हैं ना वो लोग उस पर ना फूल बरसा रहे होते हैं, और वो सब लोग यही कह रहे होते हैं कि कुंवर अजीत सिंह की जय, कुंवर अजीत सिंह की जय। और जो पूरी परिवार होता है ना, वो इंक्लूडिंग माया, वो लोग खड़े होते हैं उनको वेलकम करने के लिए। अब जो माया की मम्मी है ना, वो भी खड़ी होती है पूजा की थाली लेके। अब ये सीन ऐसा होता है ना जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही हो, पूरा परिवार गेट पे खड़ा है, और जो हीरो है ना वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस आया है अपनी पढ़ाई पूरी करके। अब कार आके लुकती है ना, तो उसमें से एक हट्टा कट्टा लड़का निकलता है, जो कि विवान से ना थोड़ा हट्टा ही कट्टा होगा ज़्यादा, रंग गोरा था उसका, और उसकी जो फिजिक थी ना वो ह्यूग जैकमैन जैसी थी। अब जो कुंवर साहब होते हैं ना, उसकी तरफ आते हैं, उसको गले मिलते हैं और कहते हैं वेलकम अजीत। और वो ना लड़का कुंवर साहब के आके पैर छूता है। अब ये देख के ना विवान को लगता है ये तो बड़ा संस्कारी भी है। अब जो अजीत है ना, वो माया की मम्मी की तरफ आता है, उनके पैर छूता है, और जो माया की मम्मी होती है ना उसके तिलक लगाती है सर पे, और जो माया है ना वो भी पास में ही खड़ी होती है। अब साफ ना माया के चेहरे से पता चल रहा होता है कि माया नर्वस है। अब जो नेहा है ना, वो उसका ना हाथ पकड़ के, माया का हाथ ना सहला रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो अजीत होता है ना, वो माया के पास आता है। अब जो माया होती है ना, वो बिल्कुल शाये होती है, कुछ नहीं बोलती, ऊपर भी नहीं देखती है। अब जो नेहा है ना, वो उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करती है, और ना जो अजीत होता है वो पूछता है कि तो कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई नेहा, और वो नेहा उसको बोलती है कि अच्छी चल रही है। और इतने में क्या होता है ना, वो अपना हाथ निकालता है माया से हाथ मिलाने के लिए ना, लेकिन जो माया होती है ना वो बस ऐसी नमस्ते कह देती है, वो भी उसको फिर नमस्ते कह देता है। अब जो कुंवर साहब होते हैं ना, वो कहते हैं विवान अजीत को ना उनके कमरे में लेके चले जाओ। अब जो विवान होता है ना, वो अजीत को लेके उसके कमरे में जाता है, और जो अजीत होता है ना, वो बेड पे बैठ के पूछता है ना, अच्छा कि तुम सुपरवाइज़र हो यहाँ पे, कुंवर साहब ने मुझे बताया था। अब जो विवान होता है ना, वो लाइट वाइट जलाता है, और जो अजीत होता है ना, वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे ला के पूछता है, एक बात बताओ यार भाई, तुमने माया को देखा, तुमने उसको ऑब्जर्व किया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता उसके अंदर एटीट्यूड है, या वो बस दिखा रही थी कि उसके अंदर एटीट्यूड है। अब वो ना उससे पूछता है। अब जो विवान होता है ना, वो मन में सोचता है कि भाई मुझे उसके बारे में ना सब कुछ पता है, सब कुछ। अब विवान क्या कहता है ना, विवान कहता है मुझे नहीं पता आप किस क्या कह रहे हो, मैंने इतना नोटिस नहीं करा, लेकिन मैं तो एक सर्वेंट हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि हर लड़की के अंदर एक एटीट्यूड होता है, तो हम उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, और ये चीज़ नेचुरल है जो उनके अंदर आती है। अब जो अजीत होता है ना, वो कहता है अच्छा तुम काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर मालूम चलते हो, है ना।
अब जो विवान होता है ना, वो कहता है एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी के साथ आता है, और बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता है। उसके बाद ना क्या होता है, कई जो आदमी लोग होते हैं ना, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो विवान को टेरेस छत पे बुलाने लगते हैं, तो वो चला जाता है। और विवान ना मन में सोचता है जो अजीत है ना, वो इतना भी ख़राब नहीं है, अच्छा है वो, बस थोड़ा इमैच्योर है रिलेशनशिप को लेके। और ना यही सोचते सोचते वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगला सीन क्या होता है, जो विवान होता है ना, वो रात को अपने बिस्तर पे पलट रहा होता है, उसको नींद ही नहीं आ रही होती। उसको ऐसा लगता है ना कि भगवान जब भी मुझे कुछ देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा देते हैं। प्रॉब्लम्स देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देते हैं, जब खुशी देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और अपने बिस्तर में ना सो ही नहीं पा रहा होता, यहाँ वहाँ पलट रहा होता है। और उसको ये लगता है यार कि मैं कैसे क्या करूँ, मैं माया ना मेरे हाथों से दूर जा रही है, मुझसे दूर जा रही है। और ना यही सोचते सोचते वो सोचता है कि चलो यार छत पे जाता हूँ, थोड़ी हवा हवा लेता हूँ। इतने में क्या होता है ना, उसके ना दरवाजे पे कोई खटखटाने लगता है। अब वो देखता है ना, जब लाइट खोल के देखता, टाइम देखता, तो रात के लगभग 1 बज रहे होते। अब उसको ये लगता है ना कि इतनी लेट कौन आया है यहाँ पे। अब जब विवान दरवाज़ा खोलता है ना, तो देखता है कि माया खड़ी होती है। तो कहता है माया तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त। अब जो माया होती है ना, वो कुछ नहीं बोलती, सीधे अंदर आ जाती है। और विवान जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। और माया के चेहरे से साफ पता चल रहा था ना कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो बेड पर बैठ जाती है पालती मार के। अब जो विवान होता है ना, वो कहता है माया तुम यहाँ क्यों आई यार, कोई देख लेगा तो। अब जो माया होती है ना, वो कहती है ना तुम पहले अपना मुंह बंद करो और ऐसा दिखावा करना बंद करो कि तुम डरे हुए हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे जानती हूँ विवान। अब जो विवान होता है ना, उसके बगल में बैठ जाता है, वो कहता है क्या हुआ बताओ मुझे। अब जो माया है ना, वो कहती है विवान मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, लेकिन मैं ये और नहीं झेल सकती। अब विवान को पता होता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, वो क्या कहना चाहती है। अब ना उस कोशिश करता है उसको समझाने की। जब माया कहती है ना, देखो विवान मैं ना एक आम सी लड़की हूँ यार, मुझे सिंपल ज़िंदगी चाहिए, मैं ये फालतू की नौटंकी नहीं झेल सकती। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो ना, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं करा, और मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे पास शायद कोई प्लान्स भी नहीं है। और फिर वो कहती है ना कि अब तो मुझे डाउट भी होता है कि तुम मुझसे प्यार करते भी नहीं हो, करते हो, या फिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो नहीं करना चाहते हो। और तुम ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, अपना बड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है। और जो ये माया के शब्द होते हैं ना, ये उसको ऐसे चुभते हैं ना जैसे कि कोई उसको ना मतलब सुई चुभा रहा हो। और उसका भी ना विवान का दिमाग ख़राब हो जाता है। अब विवान ना मन में सोचता है कि ये मुझसे कैसे कह सकती है यार, ये मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी मीटिंग सेक्रीफाइस कर दिया, तब भी ऐसे मुझसे बात कर रही है। अब वो ना खड़ा होता है बिस्तर से और उसको ना डांटना शुरू करता है। और विवान कहता है ना देखो मैडम, मैं ना चीज़ों को कैजुअली नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, और तुम और तुम्हारी परिवार तुम जानती हो तुम लोग कैसे हो, ठीक है, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए साइड कर दिया, सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जो बिजनेस डील थी मैंने वो भी हटा दी, और तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो यार, मैं ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रहा हूँ ये, और सब कुछ मेरा ख़राब हो गया यार, जितना तुम्हारा ख़राब नहीं हो सारा मेरा ख़राब चल रहा है। और ना अब तक ये पहली बार ऐसा था जब विवान ने ना इतने गुस्से में माया से ऐसे बात करी थी। अब जो माया होती है ना, वो कुछ नहीं बोलती। उसको विवान को पता होता है कि भाई अभी रोने वाली है, वो वहाँ से उठती है और ना जाने लगती है। अब जाते आते ना वो विवान को कहती है विवान अगर तुम चाहते हो ना ब्रेकअप करना तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती ना जो कि रिलेशनशिप वन साइडेड हो। और ये कह के ना वो वहाँ से चली जाती है। अब इससे पहले ना विवान कुछ कह पाता ना, वो दरवाज़ा कस के बंद करके ना वहाँ से चली जाती है। और उसको विवान को पता होता है कि कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया, लेकिन उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कुंवर साहब का दिल जीतूंगा तो कुछ हो पाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। दादाजी अभी भी वापस नहीं आए, अब तो अजीत भी यहाँ पर आ गया है। अब विवान को ना पता होता है कि भाई जो इंडिया में शादी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होती है, और ख़ासकर जब आप लव मैरिज कर रहे हो ना, तो वो तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। और विवान ना सब कुछ पॉसिबल ट्राई कर रहा था कि जो उसे हो सके, ताकि उसकी ज़िंदगी में माया आ सके, लेकिन ना कहीं जो माया थी वो फील ही नहीं कर पा रही थी ये सब कुछ। और वो एक ऐसे पॉइंट पे आके फंस गया था ना, जहाँ पे उसको पता था कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, कहाँ उसको जाना है, लेकिन जो रास्ता है ना वो अभी भी उसको दिख ही नहीं रहा था। तो ये था इस चैप्टर में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।